अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ एक न्यूज़ स्टोरी जिसका टाइटल है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। असल दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। आज की इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करना सीखेंगे और साथ ही जानेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी, और इसमें हम सीखने वाले हैं कि इसमें कौन से टेंसेज इस्तेमाल हुए हैं और उन टेंसेज में कौन कौन से वर्ब और उनके कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ फ्रेंड, एक दोस्त। इन नीड, ज़रूरत में। ज़रूरत के वक्त। इस है अ फ्रेंड, एक दोस्त। इंडीड, दर हकीकत असल। एक असल दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। वंस, एक दफा। टू, दो। फ्रेंड्स, दोस्त। वेंट, गए। ऑन पर, अ जर्नी, एक सफर पर। आ एक जर्नी, सफर। एक दफ़ा दो दोस्त एक सफ़र पर गए, तो इसमें हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, वेंट। ये हमारे पास सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वन, एक। वाज, था। यहाँ पर हमारे पास वाज इस्तेमाल किया गया है जो कि पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। टाल, लंबा। एक लंबा था। एंड, और। द अदर, दूसरा। वाज, था। शॉर्ट, छोटा, छोटे कद का। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि एक का कद लंबा था और दूसरे का कद उससे कदरे छोटा था। दे, उन्होंने। प्रॉमिस्ड, वादा किया। टू हेल्प, मदद का। टू का हेल्प, मदद। ईच, एक। अदर, दूसरे की। इन में। द ट्रबल, मुश्किल में, मुसीबत में। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि उन्होंने वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। वाइल, उसी दौरान। पासिंग, गुजर रहे थे। टू थ्रू से, अ जंगल, एक जंगल से। जबकि उसी दौरान वो एक जंगल से गुजर रहे थे। दे, उन्होंने। सा, देखा। ये यहाँ पर फिर हमारे पास सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है वर्ब की, जो कि पास इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पास इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया गया है। अ बेयर, एक रीच। कमिंग, आ रहा था। टूअर्ड्स, टूअर्ड्स देम, उनकी तरफ। इन में। द डिस्टेंस, फासले से। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि उन्होंने देखा कि एक
रीच उनकी तरफ आ रहा है जो कि अभी थोड़े फासले पर था। द टाल लंबा फ्रेंड दोस्त लंबा दोस्त क्लाइंब अप चढ़ गया। अ ट्री एक दरख्त आ एक और ट्री है हमारे पास दरख्त। टू सेव महफूज करने के लिए बचाने के लिए। हिज अपनी लाइफ जिंदगी। तो लंबा दोस्त जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गया अपनी जान को बचाने के लिए। ही डिड नॉट शो उसने नहीं ही उसने डिड नॉट नहीं शो दिखाया। यह हमारे पास डिड इस्तेमाल हुआ है जो कि पास इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है जो कि इधर नेगेटिव बनाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया गया है। तो ये टेंस हमारे पास पास इंडेफिनिट का है। ही डिड नॉट शो उसने नहीं दिखाया एनी कोई भी केयर परवाह फार के लिए हिज अपने फ्रेंड दोस्त की। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि उसने अपने दोस्त की कोई परवाह ना की। द अदर दूसरा फ्रेंड दोस्त दूसरा दोस्त कुड नॉट नहीं क्लाइम चढ़ सका। अट्री दरख्त पर दूसरा दोस्त दरख्त पर नहीं चढ़ सका। ही फेल्ट उसने महसूस किया ही उसने फेल्ट महसूस किया क्वाइट हेल्पलेस बेयारो मददगार। उसने अपने आप को बेयारो मददगार महसूस किया। ही कुड वो कर सकता था ही वो कुड कर सकना चाहिए। डू नथिंग कोई भी चीज़ नहीं कोई काम नहीं कर सका। टू कम आउट बाहर निकलने के लिए ख़त्म करने के लिए। ऑफ हिज ट्रबल अपनी मुश्किल से अपनी मुसीबत से। वो अपनी मुसीबत को ख़त्म करने के लिए कोई भी काम ना कर सका। सडनली अचानक द सेइंग कहावत ऑफ की अ वाइस एक अकलमंद पर्सन शख्स एक अकलमंद शख्स की इकोड गूंजी। इन हिज उसके माइंड दिमाग में अचानक उसके दिमाग में एक अकलमंद शख्स की कहावत गूंजी। अ बेयर एक रीच डज नॉट टच नहीं छूता द डेड मुर्दा पर्सन शख्स को। कि एक रीच मुर्दा शख्स को कभी भी नहीं छूता। ही एडवांस वो जल्द ही ले डाउन लेट गया।
एंड प्रिटेंडेड और जाहिर किया, एंड और प्रिटेंडेड जाहिर किया टू बी डेड, मुर्दा। वो जल्दी से ज़मीन पर लेट गया और अपने आप को मुर्दा जाहिर किया। वेन, जब द बेयर रीच केम नियर, करीब आया, केम आया, नियर करीब, हिम उसके, जब रीच उसके करीब आया, ही हेल्ड, ही उसने हेल्ड रोक लिया, हिज ब्रीथ अपनी सांस, जब रीच उसके करीब आया तो उसने अपनी सांस रोक ली, दम साध लिया। द बेयर रीच स्निफ, सूंघा, बाय हिम उसे, टुक हिम उसे पाया, फॉर अ डेड पर्सन एक मुर्दा शख्स, एंड और वेंट चला गया अवे दूर। रीच ने उसे सूंघा और उसे एक मुर्दा शख्स पाया और जल्द ही वहां से चला गया। सून, जल्द ही, द बेयर रीच वॉज आउट, चला गया, आउट ऑफ साइट, आंखों से, तो जल्द ही रीच आंखों से ओझल हो गया, दूर चला गया। द टॉल, लंबा, फ्रेंड, दोस्त, क्लाइम डाउन, नीचे आ गया, द ट्री, दरख्त से, लंबा दोस्त जल्द ही दरख्त से नीचे आ गया। एंड और केम आया, टू द अदर, दूसरे के पास, फ्रेंड, दोस्त के, दूसरे दोस्त के पास आया, लंबा दोस्त जल्द ही दरख्त से नीचे आ गया और दूसरे दोस्त के पास आ गया। ही आस्क्ड, ही उसने, आस्क्ड पूछा, कहा, हिम उसे, जोकिंगली मजाकन, व्हाट क्या, द बेयर रीच हैड सेड, ने कहा है, इन हिज एयर आपके कान में, दूसरे दोस्त ने मजाकन अपने छोटे दोस्त से पूछा कि रीच आपके कान में क्या कह रहा था। द अदर फ्रेंड, दूसरे दोस्त ने, वाज एंग्री, वाज था, एंग्री गुस्से में, दूसरा दोस्त गुस्से में था। एंड और सेड, कहा, दैट के, इट हैड एडवाइज हिम, कि उसने मुझे नसीहत की है, मुझे नसीहत की है, नॉट टू ट्रस्ट, कभी भी एतबार ना करो, कभी भी भरोसा ना करना, द सेल्फिश फ्रेंड, खुदगर्ज दोस्तों पर। छोटे कद वाले दोस्त ने, जो कि गुस्से में था, उसने कहा कि रीच ने मुझे एक नसीहत की है कि कभी भी खुदगर्ज दोस्तों पर भरोसा ना करना।
सेइंग दिस, ये कहते ही ही सेड, उसने कहा गुड बाय, अल्लाह हाफिज टू हिज सेल्फिश फ्रेंड, अपने खुदगर्ज दोस्त को, टू हिज अपने सेल्फिश खुदगर्ज फ्रेंड दोस्त को, एंड और वेंट हिज, और वेंट चला गया हिज अवे अलोन, अपने रास्ते अकेला। ये कहते ही उसने अपने खुद गर्ज दोस्त को अल्लाह हाफिज़ कह दिया, और अल्लाह हाफिज़ कह के वो उसने अपना सफ़र अकेले ही शुरू कर दिया। मोरल।